अचानक हुए लॉकडाउन ने उन सभी मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है जो अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गए थे। कई जगह ये प्रवासी मजदूर बीते 50 दिनों से अपने राज्य अपने गांव भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। जिन जगहों पर ये फंसे हैं वहां काम बंद हो जाने से रोजी रोटी और रहने का संकट खड़ा हो गया। कई मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करने लगे। इसी तरह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 15 लोग दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में एमसीटी स्कूल में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आए थे। काम शुरू होने के करीब 2 महीने बाद लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन बढ़ता ही गया। इनमें से 3 महिलाएं हैं, जिसमें से 1 8 महीने की गर्भवती है, 5 छोटे बच्चे हैं और 2 बुजुर्ग हैं। मजदूरों का आरोप है कि शुरुआत में कॉन्ट्रैक्टर ने पूरे पैसे तक नहीं दिए। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद इन मजदूरों को वो पैसा दिया गया जो इनकी मेहनत का था। आरोप है कि जिस स्कूल में ये मजदूर काम कर रहे थे वहाँ की प्रिंसिपल ने भी रहने की जगह नहीं दी। बीते 2 महीने से ये मजदूर घर जाना चाहते हैं। सब पहले ठेकेदार ने टोरी जाके चुकी पैदल पैदल जाओ तुम यहाँ से, यहाँ रहने की तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं। 7 बंदे और 1 प्रेग्नेंट, 5 बच्चे। कितने महीने से प्रेग्नेंट है उनकी? 7-8 महीने हो गए। उस स्कूल के सामने रहने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता ऋचा शर्मा उन मजदूरों को खाने पीने की मदद देती रही। ऋचा उन चंद लोगों में से हैं जो वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो असल में सरकार की है, प्रशासन की है। कई शहरों में इन मजदूरों के खाने पीने की जिम्मेदारी ऐसे ही कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स, समूहों और संस्थाओं ने ले रखी है। 1 हफ्ते पहले कॉन्ट्रैक्टर ने इनका टेंट या अस्थाई झोपड़ी भी तोड़ दी और इनको पैदल घर जाने के लिए कह दिया। उस समय ऋचा सहित कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद ली। तब तक ये लोग सड़क पर आ चुके थे। एक प्लास्टिक की छत जो ऐसे समय में सहारा थी वो भी छिन जाने से इन बच्चों की सिसकियां नहीं रुकी। ये हाथ जोड़े जो बच्ची खड़ी है उसकी क्या गलती है? उसके माँ बाप ने इसके भाई के इलाज के लिए 1 लाख रुपए उधार लिया था, जिसे चुकाने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए ये लोग शहर आए थे। हम यहाँ रहते हैं तो हमको परेशानी बहुत है, हमको गांव जरूर जाना है, हमारे 8 महीने पूरे होगा तो हमको गांव जाना है। परेशान है, परिवेशन के वजह से रुके हैं। आप हाथ जोड़ के विनती, हमको परिवेशन चाहिए। हमारे हमें घर जाने नहीं, 5 बच्चे हैं, इनके ऑपरेशन से होते हैं बच्चे, कैसे होते नहीं है, वहाँ इलाज होते हैं, बिना इलाज को होते नहीं है बच्चे। इतने पैसे यहाँ है नहीं है, खाने पीने है नहीं है कुछ। मध्य प्रदेश में कहाँ है आपका गांव? और ट्रेन से नहीं जा सकते आप? ट्रेन से 200 किलोमीटर आगे चल नहीं पाएगी, 5 बच्चे लेके कैसे जा पाएंगे? जिसके 5 बच्चे नहीं थे वो तो पैदल निकल गए, हम कैसे पैदल निकल पाएंगे? ऋचा का आरोप है कि उन्होंने भाजपा काउंसिलर भावना मलिक से बस इतनी मदद मांगी थी कि परिवार को स्कूल के कमरे में रहने दिया जाए, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। दवायर ने भाजपा काउंसिलर भावना मलिक से इन आरोपों पर बातचीत की। तो बेसिकली जो पहले का वो था कि स्कूल नहीं खुला था, तो 1 हफ्ते से वो लोग, फिर किसी और ने कहा और फिर प्रिंसिपल ने स्कूल खोला और अब पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे पता, इसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे पास इसकी खबर नहीं है। मैंने ये 2 महीने से ये लोग ऐसे रह रहे थे, आपको आज पता चला इस बारे में? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। जब भी मुझसे कोई हेल्प मांगी मैंने तुरंत दी उनको, मतलब कमरा खुलवाने की बात है तो मैंने तुरंत मिस्टर कमलेश्वर है हमारे एजुकेशन ऑफिसर, उनको बोला कि हाउ कम दिस इज हैपनिंग, व्हाई यू आर नॉट अलाउड देम। उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल है वहाँ पर सुनीता रही, तुरंत उनको बोला कि भाई इनको रहने दिया जाए, तो वो सब हो गया। फिर खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों ने कहा कि हम लोग खुद ही कर लेते हैं। मैं कह वेरी गुड, कोई बात नहीं, बढ़िया। अभी मुझे 5 मिनट पहले फोन आया किसी का, मिस्टर तोमर है, सतीश तोमर, आरएसएस के ऑफिसर, ए पॉकेट में ही रहते हैं। तो भावना जी वहाँ पर वो लोग हैं और कुछ खाने की व्यवस्था, इनका भाई सब नीचे से, आपको पता है मैंने ट्रक भिजवा दिए हैं 2, तो अब एट द मोस्ट मैं 2 किलो दाल और आटा भिजवा देती हूँ, 10 किलो। ठीक है। अभी और कुछ नहीं है मेरे पास। किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर प्रिंसिपल ने 1 हफ्ते के लिए इन परिवारों को जगह दी है। उसके बाद से ऋचा ने लोगों की मदद से एक गाड़ी का इंतजाम किया, उस गाड़ी के लिए पैसों का इंतजाम किया और बस सरकार से अनुमति की मांग कर रही है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है। वो बताती हैं कि मनीष सिसोदिया के कार्यालय में किसी ने ई फॉर्म भरने को कहा, ऋचा ने वो भी किया लेकिन वो फॉर्म रिजेक्ट हो गए। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि एसडीएम से जाकर मिले, वो साइन कर देंगे,
ऋचा वहाँ भी गई, लेकिन वहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगी। सुनिए ऋचा को। जब मैं आज वहाँ से वापस आई SDM ऑफिस से, और क्योंकि सुबह मैं इनको प्रॉमिस करके गई थी कि देखिए पैसों का अरेंजमेंट हो गया, लॉरी का अरेंजमेंट हो गया है, अब आप अपना सामान पैक कर लीजिए, आज तो शाम को आप जाने वाले हैं। मैं खुद बहुत एक्साइटमेंट के साथ गई थी ऑफिस में, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया जी ने मुझे कहा था कि आप एप्लीकेशन लेके जाइए और वहाँ पर वो स्टैंप लगा देंगे, आप सारी डिटेल्स लिख दीजिए, वो स्टैंप लगा देंगे और उसके बाद उनको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन परमिशन मिलने की तो बात दूर, लेकिन एक्चुअली वहाँ से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गया। वहाँ मेरे साथ बदतमीजी की गई, उन्होंने SDM ने साफ साफ बोल दिया कि ये हमारा काम नहीं है, आप मध्य प्रदेश सरकार से जाके बात करिए। और एक सिर्फ परमिशन की बात थी, हमने ना उनसे बस मांगी थी, ना ट्रेन मांगी थी, ना ही हमने उनसे ये कहा था कि आप हमें पैसे दीजिए, सिर्फ एक परमिशन चाहिए थी जो हमें नहीं मिली। कि जब आज मैं आई तो इन्होंने मुझे बोला हमने सामान तो पैक कर लिया है दीदी, अब हमें आप प्लीज़ पैदल जाने दीजिए, और जब ये पैदल निकल जाएंगे और जब ये सड़कों पे मरेंगे तो देश की जनता, देश की सरकार ये बोलेगी कि वो क्यों निकले, ये स्कूल वाले उनको ज्यादा दिन यहाँ रहने नहीं देंगे। अब ये मजदूर इतने लंबे इंतजार और कोशिशों के बाद निराश हो चुके हैं। उन्होंने एक पढ़ी लिखी इस देश की नागरिक को भी ऐसी स्थिति में हारते हुए देखा है जो इनकी कोई मदद नहीं कर पाई। शायद इन मजदूरों को अब सरकार या प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। ये अब इतना जानते हैं कि इनमें से एक प्रेग्नेंट महिला है, 5 छोटे बच्चे हैं, 2 बुजुर्ग हैं, जिनके यहाँ रहने का अब कोई ठिकाना नहीं होगा और पैदल जाने का रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन अब इनके पास विकल्प क्या है?